अगर केवल आलू होखे तो आलू को बॉयल करके दही डाल के अगर सब्जी बनाएं तो एकदम रोटी पराठा या तो चावल के साथ एकदम मजे से खाएं। तो हम बॉयल आलू ले ले बनी ओकरा के चाकू से या तो रहुआ कोई भी चम्मच से रहुआ कांटा वाला एकरा के चारों तरफ खोब लिया है। इस तरीका से इतना टेस्टी सब्जी बनी, इतना टेस्टी बनी कि लाजवाब रही। एक बार ज़रूर ट्राई करूँगा। चारों तरफ हम इस तरीका से आलू के मतलब कि ऐसा हो कि ग्रेवी अंदर चल जाए इस तरीका से कर लेनी। अब एक कढ़ाई में पहले एकर मसाला हमें के तैयार करन जा रोवा चाहिए तो सिलबट्टे पे भी तैयार कर सकते हैं। एक जार में हम ले लें हम काजू बादाम और थोड़ा सा दो गो लाल मिर्च। अगर क्वांटिटी लाल मिर्च के ज़्यादा रखी तो वह बढ़ा सकता नहीं। अब एकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए एकदम बारीक पेस्ट। इस तरीका से पेस्ट तैयार कर लिया ही। अब एकरा के साइड में रख के कटोरी में दही ले ले हम। मतलब कि दही ऐसा हो कि चाहिए खट्टा ना हो और ताज़ा हो। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा हींग जरूर डाल दें हम। और उसके बाद अच्छी तरीक़े से एकरा के मिक्स कर ले हम। ये हो गई राउंड मसाला। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई एकर मसाला। अगर मसाला अच्छा से रहुआ तैयार करम तो एकर ग्रेवी बहुत अच्छा टेस्टी बनेला। एक बार ज़रूर बना के खाइम जा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो के लाइक शेयर कमेंट जरूर करम जा और नया हुकम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करम। अब चलिए एक रखे बनावल जाओ। आलू के अच्छा से हमने की कढ़ाई में फ्राई करम जा। पहले तेल अरे कोई भी तेल इस्तेमाल करी, कोई ज़रूरी नहीं है रुआ कोई भी तेल में अच्छा से एक रखे फ्राई करी। तेल पहले गर्म हो जाए तभी आलू के डालम, न था आलू चिपके लगी और टूटे लगी। तो इस तरीके से अगर नॉन स्टिक पेन हो के तो रुआ अच्छा से पहले ओकरा के भून ले हम आलू के। आलू जब हल्का लाल हो जाए तभी निकालम। तो आलू इस तरीका से लाल हो गई बा अब रुआ एक रखे निकाल सकता नहीं। अब जब पूरा क्रंची जैसे कोई ची पकौड़ा हो खेला, कोई चीज क्रंची हो जाला तो टेस्टी हो खेला, उस तरीका से लाल हो जाए के चाहिए। आलू अब अच्छा से निकाल लिया एक में आ इसी तेल में हमने के मसाला के फ्राई कर लिया। जो एक्स्ट्रा तेल रही ऊपर के नीचे डाले के इसमें डालते हैं हम इलायची और दो गो लौंग, थोड़ा सा जीरा, आप कटा हुआ छोटा छोटा बारीक प्याज मतलब बड़ा साइज में प्याज होके। अब प्याज के हल्का लाल होके तकले भून लिया। ध्यान रहे प्याज के भून लेवे के बाद हल्का लाल होके तकले। जब प्याज लाल हो जाए तो ओकरा में अलग सा स्वाद आवेला, कच्चा प्याज में अलग स्वाद आवेला। तो प्याज के हल्का हमने के लाल हो जाने दी तब इसमें मसाला ऐड कीजिए। मसाला में जरूरी है कि लहसुन के पेस्ट डाल दिए, क्योंकि लहसुन हमने के अलग से पिसले नहीं की जाए। तो लहसुन पेस्ट एकरा में डाल के हल्का से भून लिया है। इससे क्या होगी कि ग्रेवी में अगर उसमें लहसुन पेस्ट पीस लेती जाए तो उससे क्या होगी ग्रेवी अलग होगी। एक चम्मच इसमें डाल दें हम लहसुन के पेस्ट, एक से डेढ़ चम्मच। अच्छा से भून लिया है प्याज में ताकि लहसुन के कच्चापन हमने के निकल जाए। तो अच्छा से पहले एक रखे भून लिया है लहसुन के पेस्ट के, उसके बाद मसाला ऐड कर लिए। लहसुन हमने के अच्छा से पिसा गए। अब हमने के जो दही वाला बने ले रहेंगे बैटर उसके डाल दिया ही। दही वाला अब मीडियम आँच कर ले हम, ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं, क्योंकि दही वाला मसाला है मसाला फट जाए। इस तरीका से कम आँच कर दे हम, उसके बाद मसाला के अच्छा से भून ले आई। 10 से 15 मिनट के बाद ही मसाला में जब ये तेल अलग हो जाए तभी वो मतलब कि काजू वाला पेस्ट डाल जाए। पहले एक रखे अच्छा से भून लिया है और उसके बाद काजू के पेस्ट डालल जाए। देखिए तो इस तरीका से हमारा भुना गल बा। अब एक में डाल दे हम काजू के पेस्ट, उसके बाद इसमें डालल जाए हमने के। अब कुछ देर के बाद हमने के जब काजू के पेस्ट डला दिए तो उसके बाद डाल दें हम आलू। आलू के 15 से 20 मिनट इसमें डाल के स्वाद अनुसार नमक डाल के एक रखे ढक देवे के बाद। स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा एक मतलब एक चुटकी के हिसाब से डेढ़ चुटकी की सर कसूरी मेथी, उससे कहो कि फ्लेवर थोड़ा अलग आए। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें और इसके ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट खाती आराम से ढक दिया। इसे कही कि आलू में जो ग्रेवी होगी आराम से इसमें ऐड हो जाए मतलब चल जाए और स्वाद बहुत अच्छा है। 15 से 20 मिनट के बाद हमने के सब्जी तैयार बा। अब वो आराम से एकरा के खा सकता नहीं। देखिए तो इस तरीका से गाढ़ा ग्रेवी जब हो जाए आलू के तभी हम एकरा के उतारा, नहीं तो 10 से 15 मिनट और इसके मीडियम आंच पे हमने के पका लिया है। तो चलिए हमने के आलू की ये बॉयल आलू की रेसिपी वो लोगों के सन लागल कमेंट करके करें जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारे रेसिपी देखे खातिर वह सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।